हेलो गाइस, मैं वरुण कुमार और आप देख रहे हैं इट्स अरुण स्टार्क। आज हम इनविजिबल फोल्डर बनाना सीखेंगे। फिर इसके लिए आपको करना क्या है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगा। अब इसके लिए कुछ एक्सेप्शन ये हैं कि ये थोड़ा ट्रिकी होता है। इसको कैसे करना है, पहले तो हम इस फोल्डर को नेमलेस करेंगे, फिर इस फोल्डर के आइकन को ही गैप कर देंगे, ये फिर बन जाएगा एक इनविजिबल फोल्डर आपके सामने। अब देखिए, मैं नोट पैड खोल के आपको बताता हूँ आपको लिखना क्या है। अब अपने जो फोल्डर क्रिएट करेंगे उसमें आपको करना ये है कि अपने आर्ट की को होल्ड किए रहना है, प्लस आपको अपना नंबर लॉक यानी नंबर की पैड ऑन कर दीजिए, और उसके बाद उसमें टाइप करेंगे आप आर्ट प्लस 0160। ये करते ही आपको आर्ट की छोड़ देनी है और एंटर कर देना है, इससे आपका फोल्डर नेम ले सकेगा। अभी आपके सामने मैं कर दे रहा हूँ। अभी देखिए, मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है, न्यू फोल्डर, यहाँ पे एक इनविजिबल फोल्डर मैंने बनाया है। अगर आप देखें तो फिर मैंने यहाँ पे कई गाने भी रखे हैं, ये देखिए यहाँ से पैक कर रहा हूँ। देखिए, एक इनविजिबल फोल्डर है, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा यहाँ पे कोई फोल्डर है। ऐसे ही एक फोल्डर मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। आपको करना यह है कि अगर मैं यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया है, फिर भी मैं यहाँ पे एक और फोल्डर बना लेता हूँ आपके लिए, न्यू फोल्डर। अब देखिए, फोल्डर का नाम दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे बैक स्पेस करके एंटर करता हूँ, देखिए फिर भी कुछ नहीं होता। तो फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे जाना है रीनेम में, और आपको अपनी आर्ट की होल्ड करके यहाँ पे नंबर पैड में आपको ध्यान देना है, नंबर पैड की पैड पर नहीं, नंबर पैड को ऑन करके उसमें लिखना है 0160। अब 0160 लिखते ही आपने जो आर्ट की अपनी होल्ड की हुई है उसको छोड़ देंगे, और ये जो वहाँ पर लिखा होगा गायब हो जाएगा। और देखिए, गायब हो गया, और एंटर करते ही ये गायब हो गया। देख लीजिए, यहाँ पे इसका कोई नाम नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे आपको अगर छुपाना है इसको पूरी तरीके से तो यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे डिटेल्स होती है, तो फिर यहाँ पे आप लिस्ट में आ जाइए, बस देखिए लिस्ट में। अब ये देखिए बचा गया। अब देखिए सिर्फ ये आइकन दिख रहा है, अब उसका भी मैं इलाज बताता हूँ। तो करना है यहाँ पे जाना है प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉपर्टीज़ में जाके आप कस्टमाइज में जाइए, यहाँ पे आएगा चेंज आइकन। अब यहाँ पे एक ऐसा आइकन ढूंढिए जो गायब हो, जैसे कि मैं ढूंढती, देखिए यहाँ पे कई आइकन है जो गायब है, इसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके एंड अप्लाई एंड ओके। अब देखिए कमाल, और अगर मैं इसको फिर से खोलता हूँ, यहाँ पे देखिए वो फोल्डर गायब हो गया। अगर मैं इस फोल्डर को भी डिलीट कर दूँ, अब देखिए यहाँ पे फोल्डर गायब हो गया। अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, ये देखिए, इसको आप कभी डिलीट मत कीजिएगा वरना ये फिर से दिखने लगेगा। यहाँ पे मैं आप कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि अभी मैं कुछ यहाँ पे रखने जा रहा हूँ, कोई अपने फ्राइडे का शॉर्टकट ही मैं रख देता हूँ कॉपी। यहाँ पर मैं आऊँगा लाइब्रेरीज में, और यहाँ पे अरुण में न्यू फोल्डर से मैं कंट्रोल सी करके पेस्ट कर दूँगा। अब देखिए, अब देखिए आपका फोल्डर पूरी तरह से गायब है, और आपकी कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे पाई रही, सोच के कि यहाँ पे कोई फोल्डर ही नहीं है। लेकिन आपको पता है यहाँ पे एक फोल्डर है जिसमें ये सब छुपा हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।